नमस्कार साथियों, दो नाक वाले लोग कभी सुना है आपने? आज की जो रचना है उसका शीर्षक यही है। यह एक व्यंग है और प्रसिद्ध रचनाकार हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है। कहीं ना कहीं आप भी इससे अपने आप को कनेक्ट करेंगे। जिंदगी में ऐसा मौका कई बार आपके साथ भी आया होगा जब आपके लिए अपनी नाक बहुत कीमती होगी और नाक को बचाने के लिए आपने कुछ भी किया होगा। तो आइए सुनते हैं हरिशंकर परसाई क्या कहते हैं इस रचना में, जो कि एक व्यंग है, दो नाक वाले लोग। मैं उन्हें समझा रहा था कि लड़की की शादी में टीम टाम में व्यर्थ खर्च मत करो, पर वे बुजुर्ग कह रहे थे आप ठीक कहते हैं, पर रिश्तेदारों में नाक कट जाएगी। नाक उनकी काफी लंबी थी और मेरा ख्याल है नाक की हिफाजत सबसे ज्यादा इसी देश में होती है। या तो नाक बहुत नर्म होती है, छुरा बहुत तेज होता है जिसे छोटी सी बात पे भी नाक कट जाती है, और छोटे आदमी की नाक बहुत नाजुक होती है। ये आदमी नाक को छिपाकर क्यों नहीं रखता? कुछ बड़े आदमी जिनकी हैसियत होती है इस्पात की नाक लगवा लेते हैं और चमड़े का रंग चढ़वा लेते हैं। काला बाजार में जेल हो आए हैं, औरत खुलेआम दूसरे के साथ बॉक्स में सिनेमा देखती है, लड़की का सार्वजनिक गर्भपात हो चुका है, लोग उस्तरा लिए नाक काटने को घूम रहे हैं, मगर काटे कैसे? नाक तो स्टील की है, चेहरे पर पहले जैसी ही फिट है और शोभा बढ़ा रही है। स्मगलिंग में पकड़े गए हैं, हथकड़ी पड़ी है, बाजार में इसे ले जाए जा रहे हैं और लोग नाक काटने को उत्सुक हैं, पर वे नाक को तिजोरी में रखकर स्मगलिंग करने गए थे। पुलिस को खिला पिला कर बरी होकर लौटेंगे और फिर नाक पहन लेंगे। जो बहुत होशियार हैं वे नाक को तलवे में रखते हैं। तुम सारे शरीर में ढूंढो, नाक ही नहीं मिलती। नातिन की उम्र की दो लड़कियों से बलात्कार कर चुके हैं, जालसाजी और बैंक को धोखा देने में पकड़े जा चुके हैं। लोग नाक काटने को उतावले हैं पर नाक मिलती ही नहीं, वह तो तलवे में है ना। कोई जीव शास्त्री अगर नाक की तलाश कर भी दे तो तलवे की नाक काटने से क्या होता है? नाक तो चेहरे पर की कटे तो कुछ मतलब होता है। और जो लोग नाक रखते ही नहीं है उन्हें तो कोई डर ही नहीं है, दो छेद हैं जिनमें से सांस लेते हैं। कुछ नाकें गुलाब के पौधे की तरह होती हैं, कलम कर दो तो और अच्छी शाखा बढ़ती है और फूल भी बढ़िया लगते हैं। मैंने ऐसी फूल वाली खुशबूदार नाकें बहुत देखी। जब खुशबू कम होने लगती है तो ये फिर कलम करवा लेते हैं, जैसे किसी औरत को छेड़ दिया और जूते खा गए। जूते खा गए अजब मुहावरा है, जूते तो मारे जाते हैं फिर खाए कैसे जाते हैं? मगर भारतवासी इतना भुखमरा है कि जूते भी खा जाता है। नाक और तरह से भी बढ़ती है। एक दिन एक सज्जन आए, बड़े दुखी थे, कहने लगे हमारी तो नाक कट गई। लड़की ने भागकर एक विजातीय से शादी कर ली, हम ब्राह्मण और लड़का कलाल, नाक कट गई। मैंने उन्हें समझाया कि कटी नहीं है, कलम हुई है, 3-4 महीनों में और लंबी बढ़ जाएगी। 3-4 महीने बाद वे मिले तो खुश थे, नाक पहले से भी लंबी हो गई थी। मैंने कहा नाक तो पहले से भी लंबी मालूम पड़ती है। वे बोले हाँ कुछ पड़ गई है, काफी लोग कहते हैं कि आपने बड़ा क्रांतिकारी काम किया है, कुछ बिरादरी वाले भी कहते हैं इसलिए नाक तो बढ़ गई है। कुछ लोग मैंने देखे हैं जो कई साल अपने शहर की नाक रहे हैं, उनकी नाक अगर कट जाए तो सारे शहर की नाक कट जाती है। अगर उन्हें संसद का टिकट ना मिले तो सारा शहर नकता हो जाता है। पर अभी मैं एक शहर गया तो लोगों ने पूछा फला साहब के क्या हाल है, वे शहर की नाक है। तभी एक मस्करे ने कहा हाँ साहब, वे अभी भी शहर की नाक है मगर चिमकी हुई। ये विभत्स रस है, रस सिद्धांत प्रेमियों को अच्छा लगे। मगर मैं उन सज्जन की बात कर रहा था जो मेरे सामने बैठे थे और लड़की की शादी पुराने ठाट से ही करना चाहते थे। पहले वो रईस थे, यानी मध्यम हैसियत के रईस, अब गरीब थे। बिगड़ा रईस और बिगड़ा घोड़ा एक तरह के होते हैं, दोनों बौखला जाते हैं, किससे उधार लेके खा जाए ठिकाना नहीं। उधर बिगड़ा घोड़ा किसे कुचल दे उसका भी ठिकाना नहीं। आदमी को बिगड़े रईस और बिगड़े घोड़े दोनों से दूर रहना चाहिए। मैं भरसक कोशिश करता हूँ, मैं तो मस्ती से टोलते आते सांड को देखकर भी सड़क के किनारे की इमारत
के बरामदे में चढ़ जाता हूँ। बड़े भाई साहब आ रहे हैं, इनका आदर करना चाहिए। जो भूतपूर्व संपन्न बुजुर्ग मेरे सामने बैठे थे वे प्रगतिशील थे। लड़की का अंतरजातीय विवाह कर रहे थे वे खत्री थे और लड़का शुद्ध कानपुर, वे खुशी से शादी कर रहे थे। पर उनमें विरोधाभास यह था कि शादी ठाट से करना चाहते थे। बहुत लोग एक परंपरा से छुटकारा पा लेते हैं पर दूसरी से बंधे रहते। रात को शराब की पार्टी से किसी ईसाई दोस्त के घर आ रहे हैं, मगर रास्ते में हनुमान का मंदिर दिख जाए तो थोड़ा तिलक भी सिंदूर का लगा लेंगे। मेरा एक घोर नास्तिक मित्र था, हम घूमने निकले तो रास्ते में मंदिर देखकर वे कह उठते हरे राम, और बाद में पछताते थे कि मैं तो नास्तिक हूँ। तो मैं उन बुजुर्ग को समझा रहा था, आपके पास रुपए नहीं है, आप कर्ज लेकर शादी का ठाट बनाएंगे पर कर्ज चुकाएंगे कहाँ से, जब आपने इतना नया कदम उठाया है कि अंतर जातीय विवाह कर रहे हैं तो विवाह भी नए ढंग से कीजिए। लड़का कानिकुक जो है बिरादरी में शादी करता है तो कई हजार उसे मिलते। लड़के शादी के बाजार में मवेशी की तरह बिकते हैं। अच्छा मालवी बैल और हरियाणा की भैंस ऊंची कीमत पर बिकती है। लड़का इतना त्याग तो लड़की के प्रेम के लिए कर चुका है, फिर भी वह कहता है आधा लग जाकर शादी कर लेते हैं, बाद में एक पार्टी दे देंगे। आप आर्य समाजी हैं, घंटे भर में रास्ते में आर्य समाज मंदिर में वैदिक रीति से शादी कर डाले, फिर 300-400 रुपयों की एक पार्टी दे डालिए, लड़के को एक पैसा भी नहीं चाहिए, लड़की के कपड़े वगैरह मिलाकर 1000 में शादी हो जाएगी। वे कहने लगे कि आप बात तो ठीक करते हैं लेकिन रिश्तेदारों को तो बुलाना ही पड़ेगा, फिर जब वे आएंगे इज्जत के ख्याल से सजावट खाना भेंट सब कुछ करना पड़ेगा। मैंने कहा आपका यहाँ तो कोई रिश्तेदार है नहीं। उन्होंने जवाब दिया वे पंजाब में हैं, पटियाला में ही 3 करीबी रिश्तेदार हैं, कुछ दिल्ली में हैं, कुछ आगरा में हैं। मैंने कहा जब पटियाले वाले के पास आपका निमंत्रण पत्र पहुँचेगा तो पहले तो वो आपको 10 गालियाँ देगा, मई का यह मौसम इतनी गर्मी, लोग तड़ातड़ लू से मर रहे हैं, ऐसे में इतना खर्च लगाकर जबलपुर जाओ, कोई बीमार हो जाए तो और मुसीबत। पटियाला या दिल्ली वाला आपका निमंत्रण पाकर खुश नहीं दुखी होगा, निमंत्रण पत्र न मिला तो वो खुश होगा और बाद में बात बनाएगा, कहेगा आजकल जी डाक की इतनी गड़बड़ी है कि निमंत्रण पत्र ही नहीं मिलता, वरना तो ऐसा हो सकता था कि हम ना आते। मैंने फिर समझाया मैं आपसे कहता हूँ कि दूर से रिश्तेदार का निमंत्रण पत्र मुझे मिलता है तो मैं घबरा उठता हूँ, सोचता हूँ जो ब्राह्मण 11 रुपए में शनि उतार दे, 25 रुपयों में सगोत्र विवाह करा दे, मंगली लड़की का मंगल 15 रुपयों में उठाकर शुक्र के दायरे में फेंक दे, वह लग्न सितंबर से लेकर मार्च तक सीमित क्यों नहीं कर देता, मई और जून की भयंकर गर्मी की लग्ने गोल क्यों नहीं कर देता, वो कर सकता है पर फिर ईसाई और मुसलमानों में जब बिना लग्न शादी होती है तो क्या वरवधु मर जाते हैं, 8 प्रकार के विवाहों में जो गंधर्व विवाह है वो क्या है, वो यही शादी है कि जो आज होने लगा है कि लड़का लड़की भागकर कहीं शादी कर लेते हैं। इधर लड़की का बाप गुस्से में पुलिस में रिपोर्ट करता है कि हम लड़का हमारी नाबालिग की लड़की को भगा ले गया, मगर होता कुछ नहीं क्योंकि लड़की मैट्रिक का सर्टिफिकेट साथ ले जाती है जिसमें जन्म तारीख होती है। वे कहने लगे नहीं जी रिश्तेदारों में नाक कट जाएगी। मैंने कहा पटियाला से इतना किराया लगाकर नाक काटने कोई यहाँ नहीं आएगा, फिर पटियाला में कटी नाक को कौन इधर देखेगा, काट ले पटियाला वाले। वे थोड़ी देर गुमसुम बैठे हुए। मैंने कहा देखिए जी आप चाहें तो मैं पुरोहित हो जाता हूँ और घंटे भर में शादी करवा देता हूँ। वे चौके, कहने लगे आपको शादी कराने की विधि आती है। मैंने कहा हाँ, ब्राह्मण का बेटा हूँ, बुजुर्गों ने सोचा होगा कि लड़का नालायक न निकल जाए और किसी काम धंधे के लायक न रहे तो इसे कम से कम सत्यनारायण की कथा और विवाह की विधि सिखा दो, और ये मैं बचपन में ही सीख गया था। मैंने आगे कहा और बात यह है कि आजकल कौन संस्कृत समझता है और पंडित क्या कह रहा है इसे सुनता भी कौन, वे तो अम और अ इतना ही जानते हैं, अगर मैं इस तरह का मंगल श्लोक पढ़ दूं तो भी कोई ध्यान नहीं देगा। ओम जैक इन जिल वेंट अप द हिल टू फेच अ पेल ऑफ वाटरम, ओम जैक फेल डाउन एंड ब्रोक हिल क्राउन एंड जिल केम ट्रम्बलिंग आफ्टर, कुरियात सदा मंगलम।
लोग इसे वैदिक मंत्र ही समझेंगे, वे हंसने लगे। मैंने कहा, लड़का उत्तर प्रदेश का कानिकुब्ज और आप पंजाब के खत्री, एक दूसरे के रिश्तेदारों को कोई नहीं जानता। आप मेरी एक सलाह मानिए, इससे कम में निपट भी जाएगा और नाक भी कटने से बच जाएगी। लड़के के पिता की मृत्यु हो चुकी है, आप घंटे भर में शादी करवा दीजिए, फिर रिश्तेदारों को चिट्ठियां लिखिए कि इधर लड़के के पिता को दिल का तेज दौरा पड़ा, डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी, 2-3 घंटे वे किसी तरह जी सकते थे, उन्होंने इच्छा प्रकट की कि मृत्यु के पहले ही लड़के की शादी हो जाए तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। लिहाजा उनकी भावना को देखते हुए हमने फौरन शादी कर दी। लड़का लड़की वर वधु के रूप में उनके सामने आए, उनके चरणों में सिर रखे, उन्होंने इतना ही कहा, सुखी रहो, और उनके प्राण पखेरू उड़ गए। आप माफ करेंगे कि इसी मजबूरी के कारण हम आपको शादी में नहीं बुला सके। कौन जानता है आपके रिश्तेदारों में कि लड़के के पिता की मृत्यु कब हुई? उन्होंने सोचा, फिर बोले, तरकीब तो ठीक है, पर इस तरह की धोखाधड़ी मुझे पसंद नहीं। खैर, मैं उन्हें काम का आदमी नहीं लगा। दूसरे दिन मुझे बाहर जाना पड़ा, 2-3 महीने बाद लौटा तो लोगों ने बताया कि उन्होंने सामान और नगद लेकर शादी कर डाली। 3-4 दिन बाद से ही साहूकार सवेरे से तगादा करने आने लगे, रोज उनकी नाक थोड़ी थोड़ी कटने लगी। मैंने उनसे पूछा, अब क्या हाल है? लोग बोले, अब साहूकार आते हैं तो यह देखकर निराश लौट जाते हैं कि काटने को ना बची ही नहीं है। मैंने मजाक में कहा कि साहूकारों से कह देते हैं कि इनकी दूसरी नाक पटियाला में पूरी रखी है, वहां जाके काट ले। इस व्यंग के बहाने हरिशंकर परसाई जी ने 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें हमें सिखाई हैं। नंबर 1, लोगों को दिखाने के लिए बेवजह का दिखावा करना ठीक नहीं है। सिर्फ 2 दिन के लिए आप खुश हो जाते हैं, आपको लगता है कि लोग खुश हैं, लेकिन उसके बाद की जिंदगी आपकी खराब हो जाती है। और दूसरा, वो लोग जो अपनी दौलत के घमंड में या अपने रुतबे के घमंड में ये ध्यान ही नहीं रखते कि सही क्या है और गलत क्या है, और वो सब करते हैं जो सही नहीं होता, परसाई जी के अनुसार उनकी नाक लोहे की होती है जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, दोनों ही गलत है। दिखावे के लिए बेवजह पैसा खर्च करना और लोगों की ईमान की चिंता किए बिना गलत काम करना। आपने इस व्यंग रचना से क्या सीखा, ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि लिखते रहेंगे, बोलते रहेंगे, बात करते रहेंगे तो हम सब कुछ न कुछ सीखते जाएंगे और बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। ऐसे ही किसी रचना के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।